अस्सलाम वालेकुम। हाय यूट्यूबर, वेलकम बैक टू सेवल टेक्नोलॉजी। एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग सीरीज के पार्ट 3 में हम जानेंगे यूनिट्स मेजरमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स ऑफ वर्क। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले स्टील वर्क्स, फ्लास्टिंग, पेंटिंग्स एंड फिनिशिंग्स, रूफिंग्स एंड फ्लोरिंग। तो चलो फ्रेंड, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर पर है स्टील वर्क्स, रोलेट स्टील वर्क्स, रोलेट स्टील जॉइस्ट, चैनल्स, एंगल, स्टील आयरन्स, फ्लैट स्क्वायर, राउंड एटसेट्रा। रोलेट स्टील जॉइस्ट ये एक स्टील्स का एक बीम होता है और इसका शेप जो है आई शेप और एच शेप, इसका इसी तरह कुछ शेप है। ये स्ट्रक्चर स्टील वर्क में इसका यूज होता है। या फिर यूनिट्स मेजरमेंट्स एंड एमकेएस सिस्टम में क्विंटल्स है, एंड वन क्विंटल इज इक्वल टू 100 kg। यूनिट्स ऑफ पेमेंट्स एंड एमकेएस सिस्टम में वो फर क्विंटल के हिसाब से, और यूनिट्स ऑफ पेमेंट एफएएस सिस्टम में फर सेंटम वेट है। वन सेंटम वेट इज इक्वल टू 100 weights। 100 weight इज द यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स फॉर वेट्स, एंड 100 weight इज इक्वल टू 100 pounds। नेक्स्ट है स्टील रेनफोर्समेंट्स बार्स एटसेट्रा एंड RCCRB वर्क्स। RCC से मुराद है रेनफोर्समेंट कंक्रीट, सीमेंट्स कंक्रीट, एंड RB रेनफोर्समेंट ब्रिक्स ब्रेक। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स क्विंटल्स में है, या फिर यूनिट्स ऑफ फेमन एमकेएस सिस्टम में फर क्विंटल्स के हिसाब से है, और या फिर एफएएस सिस्टम में फर सेंटम वेट के हिसाब से। नेक्स्ट है बेंडिंग बाइंडिंग ऑफ स्टील रेनफोर्समेंट, ये भी क्विंटल्स में है, यहाँ पर फर क्विंटल में है, फर सेंटम क्वेट से है। नेक्स्ट है फेब्रिकेशन एंड होस्टिंग ऑफ स्टील वर्क, ये भी क्विंटल्स में है, फर क्विंटल्स में है, और फर CWT में है, सेंटम वेट। नेक्स्ट है फैब्रिक रेनफोर्समेंट वायर नेटिंग, ये स्क्वेयर मीटर में है, फर स्क्वेयर मीटर में है, और फर स्क्वेयर फीट में है। ये जो वायर का एक जाल सा जो बना होता है सीमेंट रेनफोर्समेंट कंक्रीट के लिए। नेक्स्ट है आयरन वर्क एंड ट्रसेस, क्विंटल्स में है, फर क्विंटल्स में, इसका एमकेएस सिस्टम में फेमस होता है, और एफएएस सिस्टम में फर CWT में है, सेंटम वेट। नेक्स्ट है कटिंग ऑफ आयरन जॉइस्ट चैनल्स, ये सेंटीमीटर्स में है, फर सेंटीमीटर्स में फेमस है इसका, और फर इंचेस में एफएएस सिस्टम में इसका फेमस है। एट नंबर फॉर है कटिंग्स एंगल दीज फ्लैट्स, ये स्क्वेयर सेंटीमीटर्स में, फर स्क्वेयर सेंटीमीटर्स में इसका फेमेंट है एमकेएस में, और फर स्क्वेयर इंचेस में एफएएस में इसका फेमेंट है। नेक्स्ट है वेल्डिंग सोल्डर ऑफ शीट्स फ्लैट्स, वेल्डिंग ऑफ रेल स्टील ट्रसेस रॉड्स, फर नंबर, इसको फर नंबर में भी कंसिडर करते हैं, लेकिन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट जो इसका होता है वो सेंटीमीटर्स में होता है। यूनिट्स ऑफ फेमन एमकेएस में फर सेंटीमीटर या और फर इंचेस में है। 10 नंबर्स पे है बोरिंग्स होल एंड आयरन्स, और ये नंबर के हिसाब से होता है, फर नंबर के हिसाब से इसका फेमस होता है एमकेएस सिस्टम में, और यहाँ पर भी फर नंबर के हिसाब से है। कास्टिंग आयरन 5 डाया स्पेसिफाइड, जो 5 बना होता है कास्ट आयरन का, इसका जो है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एमकेएस सिस्टम में वो मीटर के हिसाब से होता है, या फर मीटर के हिसाब से फिर फेमेंट्स होता है, और फर RFT फर फीट के हिसाब से यहाँ पर भी फेमेंट्स होता है। रिवेट्स बोल्ट्स एंड नट्स, एंकर बोल्ट्स, लेवेस बोल्ट्स, होल्डिंग्स, डाउन्स बोल्ट्स वगैरह, ये भी क्विंटल्स में है, फर क्विंटल के हिसाब से फेमेंट्स हैं, और FES में भी यहाँ पर फर क्वांटम फर सेंटम वेट्स है, फर CWT जो है। तो 3 नंबर से ब्रेबर्ड वायर फेंसिंग, ये मीटर के हिसाब से,
फर मीटर के हिसाब से फेमन से और फर्सन रनिंग फुट के हिसाब से इसका फेमन से। नेक्स्ट है आयरन गेट्स में आल्सो बी वेट क्वांटल, समटाइम इसका वेट जो ये क्वांटल में भी कंसिडर करते हैं। आयरन गेट्स जो आयरन से जो गेट्स बनाया जाता है स्क्वेयर सेंटीमीटर्स में, इसका स्क्वेयर मीटर्स में होता है। इसका एम के एस सिस्टम में मेजरमेंट्स यूनिट्स ऑफ फेमन जो है इनका एम के एस सिस्टम में है फर स्क्वेयर मीटर और फर स्क्वेयर फीट के हिसाब से एफ एस सिस्टम में, बट समटाइम इसके क्वांटल में भी इसका वेट जो है कंसिडर करता है। नेक्स्ट है आयरन होल्ड फास्ट में आल्सो बी बाई नंबर्स, इसको कंसिडर करते यूनिट्स ऑफ मजर में क्वांटल्स में फर्स क्वांटल्स में और फर सेंटम वेट्स है, लेकिन यहाँ पर फर में आल्सो बी ए नंबर में भी समटाइम इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट है आयरन रेलिंग हाइट एंड टाइप स्पेसिफाइड्स, इसका जो है आयरन रेलिंग का हाइट और टाइप जो स्पेसिफाइड होना चाहिए तो वो फर मीटर्स में इसका एम के एस सिस्टम में यूनिट्स ऑफ यहाँ पर फर मीटर के हिसाब से और यहाँ पर फेमन जो है एफ ए एस सिस्टम में फॉर रनिंग फीट है। आयरन ग्रेल्स कोलेप्सिबल गेट्स, आयरन ग्रेल्स जो बनते हैं मे बी आल्सो बी वेटेड एंड क्वांटल, समटाइम्स जो है ये क्वांटल में इसका यूनिट्स मजरमेंट्स होता है, बस यहाँ पर है यूनिट्स मजरमेंट स्क्वेयर मीटर में भी होते हैं या फर स्क्वायर मीटर में और फर स्क्वायर फीट पे है। नेक्स्ट है रोलिंग शटर्स जो शाफ्ट पे लगे होते हैं स्क्वायर मीटर में इसको कंसिडर करते हैं, फर स्क्वायर मीटर में इसका फेमन होता है और फर स्क्वायर मीटर फीट के हिसाब से भी इसका एफ ए एस सिस्टम में होता है। स्टील डोर्स एंड विंडोज ये स्क्वेयर मीटर में है, फर स्क्वेयर मीटर फेमन जो है एम के एस सिस्टम में और यहाँ पर फर स्क्वेयर फीट जो है एफ ए एस सिस्टम में है। टाइप्स एंड फिक्सिंग स्पेसिफाइड्स यही। नेक्स्ट है रूफिंग, टाइल रूफ अलाहाबाद टाइल्स फैजाबाद टाइल्स मैंगलोर टाइल्स एटसेट्रा एंड क्लोदिंग्स बेटर्स, ये स्क्वायर मीटर में या फिर ये जो डिफरेंस टाइप डिफरेंस सिटीज का नेम या फिर दिया हुआ है तो या फिर स्क्वायर मीटर में इसको कंसिडर करते हैं। फर स्क्वायर मीटर के हिसाब से फेमन होता है एम के एस में और एफ ए एस सिस्टम में फर स्क्वायर फीट के हिसाब से इसका फेमन होता है। दूसरे नंबर पर है कंट्री टाइल्स रूफ इंक्लूडिंग बेम्बो जेफरी, ये भी स्क्वायर मीटर में है फर स्क्वायर मीटर में और फर स्क्वायर फीट में। रूफिंग का जितना भी काम ये स्क्वेयर मीटर्स में है। नेक्स्ट है कोरोगेटेड आयरन्स रूफ सीमेंट्स वगैरह, ये भी स्क्वेयर मीटर में फर स्क्वेयर मीटर में इसका यूनिट्स ऑफ मजर में और फर स्क्वेयर फीट में इसका यूनिट्स ऑफ फेमन से एफ ए एस सिस्टम में। स्लेट्स रूफिंग टैम्बरिंग टैम्बर रूफिंग ये स्क्वेयर मीटर में है फर स्क्वायर मीटर में एम के एस में फेमन है और एफ ए एस में फर स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट है इविज बोर्ड्स थिकनेस स्पेसिफाइड्स, या फिर ये कंडीशन है कि थिकनेस स्पेसिफाइड होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, स्क्वेयर मीटर्स में है फर स्क्वायर मीटर में इसका एम के एस में है और या फिर एफ ए एस में फर स्क्वायर फीट है। नेक्स्ट है आर सी सी आर बी स्लेब रूफिंग्स, आरसीसी और आरवी का डिफरेंस मैंने आपको बताया, रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट्स और आरवी स्टैंड फॉर रीइंफोर्समेंट ब्रेक्स, ये क्यूबिक मीटर में इसको कंसीडर करते हैं और या फर क्यूबिक मीटर्स के हिसाब से इसका फेमस भी होता है और अब एफएएस सिस्टम में फर क्यूबिक फीट के हिसाब से। नेक्स्ट है लाइम कंक्रीट रूफ ओवर एन इंक्लोजियोस ऑफ टाइल्स और ब्रिक्स और स्टोन स्लैब एटसेट्रा थिकनेस स्पेसिफाइड, इसमें भी स्क्वेयर मीटर्स में इसको कंसिडर करते हैं और या फिर फेमन जो फर स्क्वेयर मीटर में और या फिर जो एफ ए एस सिस्टम में फर स्क्वेयर फीट है। एड नंबर पर है मड रूफ ओवर एन एक्सक्लूसिव ऑफ टाइल्स और ब्रिक्स और स्टोन स्लेब एटसेट्रा थिकनेस एंड टाइप स्पेसिफाइड, ये स्क्वेयर मीटर्स में है या फर जो है एम के एस सिस्टम में फर स्क्वेयर फीट पे फेमन से और फेमन एफ ए एस सिस्टम में फर स्क्वेयर फीट पे है।
नेक्स्ट है टॉर बेल्टिंग्स, बेचुमिन्स, फैन टैंक्स, ये स्क्वेयर मीटर में या पर फर स्क्वेयर मीटर है और या पर फर्स एंड स्क्वेयर फीट है। 10 नंबर पर है एक्सपेंशंस, कंट्रेक्शंस और कंस्ट्रक्शंस, जॉइंट्स स्क्वेयर मीटर में कंसिडर करता है। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ फेमन एम के एस में फर स्क्वेयर मीटर में है और या पर एफ ई एस में फर स्क्वेयर फीट है। नेक्स्ट सेलिंग टाइम पर ए सी शीट, फ्लेन क्लोथ, सीमन प्लास्टर आंस, फेस्ट बोर्ड स्क्वेयर मीटर में है, फर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से और यहाँ पर फर स्क्वेयर फीट है। और नेक्स्ट है सेंटरिंग एंड शटर्स एंड फ्रेम वर्क, सरफेस एरिया ऑफ आर सी सी और बी वर्क सपोर्टेड, ये स्क्वेयर मीटर में फर स्क्वेयर मीटर्स में फेमस है और फर्स एंड स्क्वेयर फीट पे यहाँ पर फेमस है। नेक्स्ट फ्लास्टिंग्स, फाइंटिंग्स एंड फिनिशिंग्स, फ्लास्टिंग सीमेंट मोटर्स, लाइम मोटर्स, मर्ज एक्सेट्रा, थिकनेस प्रिपरेशन स्पेसिफाइड, स्क्वेयर मीटर्स में है एम के एस सिस्टम में, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स, यूनिट्स ऑफ फेमन एम के एस में स्क्वेयर मीटर है, फर स्क्वेयर मीटर है और यहाँ पर एफ ए एस सिस्टम में फर्स एंड स्क्वेयर फीट के हिसाब से है। नेक्स्ट जानते हैं फाइंटिंग स्टैक्स, फ्लैश वेदरिंग एटसेट्रा, स्क्वेयर मीटर में है, फर्स एंड स्क्वेयर फीट पे है और यहाँ पर फर्स एंड फर स्क्वेयर मीटर्स में है और एफ ई एस में फर्स एंड स्क्वेयर फीट है। तीसरे नंबर पर है डेडो, थिकनेस एंड टाइप स्पेसिफाइड, स्क्वेयर मीटर है, फर्स स्क्वेयर मीटर है और फर्स एंड स्क्वेयर फीट पे हिसाब है एफ ई एस सिस्टम में। स्कर्टिंग, थिकनेस टाइप्स एंड हाइट स्पेसिफाइड, स्टर्टिंग आल्सो नोन एज अ बेस बोर्ड्स एंड स्टर्टिंग स्कर्टिंग एट इज द लोएस्ट पार्ट्स ऑफ इंटीरियर वॉल्स एंड टाइपिकली इट इज यूज बिटवीन द जॉइंट्स ऑफ फ्लोर्स एंड वॉल ऑन ए सरफेस, ये भी मीटर्स में है, फर्स मीटर में इसका एफ ए सिस्टम में फेमस है, एम के एस सिस्टम में और यहाँ पर एफ ए सिस्टम में फर रनिंग फूट है। नेक्स्ट है सीमन मोटर और लाइम मोटर रबिंग, स्क्वेयर मीटर में फर स्क्वेयर मीटर में और यहाँ पर फर स्क्वेयर फीट पे है। नेक्स्ट है वाइट वाशिंग, क्लोरिंग वाशिंग सीमर्स, वाशिंग नंबर ऑफ कोर्स स्पेसिफाइड, स्क्वेयर मीटर, फर स्क्वेयर मीटर, फर्स एंड स्क्वेयर फीट, रिमूविंग ऑफ फैन और वार्निश, एम के एस सिस्टम में स्क्वेयर मीटर के हिसाब से इसका मेजरमेंट होता है, एम के एस सिस्टम में फेमेंट पर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से और यहाँ पर पर स्क्वेयर फीट के हिसाब से। नेक्स्ट है फेंटिंग्स, लेटर्स एंड फिगर्स, हाइट स्पेसिफाइड, ये नंबर के हिसाब से, फर नंबर के हिसाब से इसका फेमेंट है और फर नंबर के हिसाब से एफ एस सिस्टम में इसका फेमेंट होता है। नेक्स्ट फ्लोरिंग के बारे में जानेंगे, 2.5 सेंटीमीटर 1 इंच सेमन कंक्रीट और 7.5 सेंटीमीटर 3 इंच लाइम कंक्रीट फ्लोर, 2.5 सेंटीमीटर से 7.5 सेंटीमीटर तक थिकनेस जो होता है या 1 इंच से 3 इंच तक जो थिकनेस होता है इसको स्क्वायर मीटर में कंसिडर करते हैं। फेमस जो है वो फर स्क्वायर मीटर के हिसाब से और या फिर एफ ई एस सिस्टम में ये फर्स एंड स्क्वेयर फीट के हिसाब से। दूसरे नंबर पर किग्लोमेरेट्स फ्लोर, आर्टिफिशियल फेंट स्टोन्स फ्लोर्स और ये 7.5 सेंटीमीटर तक जो है इसका थिकनेस कंसिडर करता है या 3 इंच तक होता है ये भी स्क्वेयर मीटर में कंसिडर करता है और या फिर फेमन एम के एस सिस्टम में वो भी फर्स स्क्वेयर मीटर है, एफ ई एस सिस्टम में फर स्क्वेयर फीट के हिसाब से है। नेक्स्ट है 4 सेंटीमीटर थिकनेस स्टोन फ्लोर, फ्लैग स्टोन फ्लोर ओवर 7.5 सेंटीमीटर ये भी लाइम सीमेंट्स में है या ये भी स्क्वेयर मीटर स्क्वेयर मीटर में है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एम के एस सिस्टम में या फर जो है ये भी फर स्क्वेयर मीटर के हिसाब से और फेमन एफ ई एस सिस्टम में वो फर स्क्वेयर फीट के हिसाब से। नेक्स्ट है 2.5 सेंटीमीटर मार्बल फ्लोरिंग्स ओवर 7.5
और 1 इंचेस टू 3 इंचेस लाइम कंक्रीट स्क्वायर मीटर्स में है, फर्स्ट स्क्वायर मीटर के हिसाब से फेमेंट है और फर्स्ट स्क्वायर फीट के हिसाब से यहाँ पर फेमेंट है। ब्रिक्स फ्लैट फ्लोर वर 7.5 सेंटीमीटर और 3 इंचेस इन लाइम कंक्रीट, ये भी स्क्वायर मीटर में है, फर्स्ट स्क्वायर मीटर के हिसाब से इसका फेमेंट है और फर्स्ट स्क्वायर मीटर के हिसाब से एफ ए एस सिस्टम में इसका फेमेंट होता है। और लास्ट में है मड फ्लोरिंग, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट एम के एस सिस्टम में स्क्वायर मीटर है और यहाँ पर फर्स्ट स्क्वायर मीटर है और फर्स्ट स्क्वायर मीटर के हिसाब से यहाँ पर फेमेंट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।